कौन जीत रहा है यूपी, सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। अमेरिका ने यूक्रेन पर हमला करने वाले रूस के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों का ऐलान किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने मित्र देशों के साथ मिलकर रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में अब ये आशंका तेज हो गई है कि रूस की इकोनॉमी बुरी तरह से लुढ़क सकती है। जंग शुरू होने के बाद से रूस की करेंसी रूबल 30% और स्टॉक मार्केट 40% तक गिर चुके हैं। इसके साथ ही रूस के विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र को भी अमेरिका बंद करने जा रहा है। इन अलग अलग प्रतिबंधों के असर से दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी रूस अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सिस्टम में अलग थलग पड़ सकता है। रूस के 630 अरब डॉलर की विदेशी मुद्रा भंडार को फ्रीज कर दिया गया है। इससे रूसी वित्तीय बाजार में हड़कंप मच गया और रूबल की कीमत 30% की गिरावट के साथ रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई। इससे रूस ने ब्याज दरों को 9.5% से बढ़ाकर 20% कर दिया और विदेशियों के सिक्योरिटीज बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के दरवाजे भी रूस के लिए बंद कर दिए गए हैं। इससे भी रूस को बड़ा झटका लगने की आशंका है और वो पूरी तरह से अलग थलग पड़ सकता है। These have been closely coordinated with our allies and partners and will continue to escalate sanctions if Russia escalates. We're implementing full blocking sanctions on 2 large Russian financial institutions, VEB and their military bank. We're implementing comprehensive sanctions on Russian sovereign debt. अमेरिका का दावा है कि रूस पर वित्तीय पाबंदियों से देश के 10 सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रभावित होंगे। इनके पास रूस के 80% बैंकिंग सेक्टर एसेट्स हैं। साथ ही रूस के निर्यात पर भी कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं। इससे देश की इकोनॉमी बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। यूएस ट्रेजरी के मुताबिक रूस के 2 सबसे बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस स्बर बैंक और वीटीबी बैंक के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिससे उनका कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रूस की वित्तीय संस्थाएं दुनिया में रोजाना 46 अरब डॉलर का लेन देन करती है। इनमें से 80% लेन देन डॉलर में होता है, जिस पर प्रतिबंधों के बाद बड़ा असर होगा। हमले के बाद से ही रूस के नागरिकों में दुविधा बढ़ गई है और वो आनन फानन में सामान पैसा जमा करने में लगे हैं। रूस में एटीएम के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। रूस में निवेश तेजी से गिर रहा है। ब्रिटिश पेट्रोलियम और शेल समेत कई विदेशी फंड्स ने रूस के एसेट्स को फ्रीज करने का ऐलान किया है। कई लॉ और अकाउंटिंग कंपनियां भी रूस में अपना कामकाज समेट रही हैं। इससे रूस में महंगाई चरम पर पहुंच सकती है। इन प्रतिबंधों से रूस की जीडीपी को 1.5% का झटका लग सकता है और इकोनॉमी मंदी में जा सकती है। इससे रूस में अशांति फैल सकती है। रूस पर 2014 से 2018 तक पाबंदियां लगी थीं और इससे रूस की जीडीपी को 1.2% का झटका लगा था, लेकिन इस बार इसका ज्यादा भयानक असर होने की आशंका है।